नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शिवानी ब्लॉग से एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज दो दिन बाद ब्लॉग बन रहा है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का। तो आज बन रही है वेजिटेबल मैगी, जिसके अंदर बने हैं मटर, टमाटर और प्याज। कपिश ने कहा ये बना दो, तो आज है संडे, बच्चों के दो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और हिंदी का कल था वो हो चुका है, साइंस का हो गया है, SST का हो गया है, नेक्स्ट ट्यूसडे को तेलुगु एग्ज़ाम है और बस बाकी सब अपने अपना काम कर रहे हैं। तो मैं बनाती हूँ इनकी मैगी और मिलती हूँ। हेलो किंचुक, बाय। ऐसे स्टैचू के बन के क्यों खड़े हो गए? हिंदी का पेपर कैसा हुआ सबको बता दो। अच्छा हुआ, तो ये आज संडे है ना, तो थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, ये थोड़ा अच्छे से उठे हैं। तो चलो ठीक है, मैगी बना रही हूँ मैं, वेजिटेबल मैगी। चलो वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हाँ, मास्टर शेफ़ हमारे आ चुके हैं और जो बना रहे हैं अपनी मैगी। इसने कहा मेरे को ये वाली मैगी बना दो। टमाटर हमने कभी डाला नहीं, पर हम पहली बार टमाटर डाल रहे हैं। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपनी चाहिए की मैगी से, अगर अच्छी ना बनना। पर अच्छी तो बनेगी, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं, सिर्फ टमाटर ही तो ऐड कर रहे हैं, प्याज मटर तो हम ऐड करते ही रहते हैं। तो इसके बाद क्या करना है? मैगी डालनी है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको एक नई सब्जी बना के दिखाऊंगी, वो सब्जी हमने कभी बनाई नहीं है। तो मैं शाम को वो सब्ज़ी लेकर आऊंगी और वो मैं आपको बना के बताऊंगी, और मैं और मम्मी खाएंगे, स्पेशली मैं और मम्मी हैं, मम्मी और मेरे लिए। मुझे वो बहुत अच्छी लगती, पर हमने कभी बनाई नहीं क्योंकि घर में कोई खाता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, आज तो मैं बनाऊँगी, तू खाएगा, बता देगा, तुझे पता है कौन सी सब्ज़ी की बात कर रही हूँ। और वो देखो, वो वहाँ पर कपिश का कल का हिंदी का क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ, मैंने संभाल के रखा हुआ है। और कितना कितने को कितना बड़ा आता है क्वेश्चन पेपर जो मैं दिखाती हूँ आपको? ये पूरा आता था, ये इतना है, एक पेज, दो पेज, ये भी तीन पेज, ये पूरा आता था। हाँ, ये सारे मैंने कर लिया, बस ये अव्यय मैंने याद नहीं आया तो ये मैंने छोड़ दिए। अच्छा, और ये सारे क्वेश्चन आंसर सारे रटे हुए थे सारे। ये हिंदी का पेपर है, SST का ठीक। अब तो छवि के भी, साइंस का छवि का भी स्टार्ट हो गए, परी के भी स्टार्ट हो गए हैं। चलो सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। हो चुकी है गर्मी का मौसम, आ चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। और सबसे मुश्किल काम जो करना है हम सब ने, वो है कि हमको अपने गर्म कपड़े संभालने हैं। तो आज देखती हूँ, सोच रही हूँ थोड़े थोड़े करके संभालना शुरू करूँ, पहले अपने संभालूँ फिर बच्चों के संभालूँ। तो आज अपने तो संभाल ही लेती हूँ, थोड़े बहुत करना तो पड़ेगा ये काम, आज नहीं तो कल। और आज है संडे तो सड़क थोड़ी सी शांत है, ज़्यादा रश नहीं है। देखो अपने लिए एक स्पेशल प्लेट तैयार करके लाया, ये देखो, ये देखो, इसने खानी थी पैटी, तो ये अपने लिए पैटी लेकर आया है, प्लेट सजाई है और इसमें अपने ग्लास में डाली है इसने लेमन, अरोड़ा लेमन। और देखो क्या मस्त किसे मज़े ले रहा है ये तो नाश्ते के आज। हेलो, इन्जॉय योर संडे। उसके बाद पढ़ेंगे हम तेलुगु। इसने मैगी बड़े अच्छे से खा ली और आज मैगी पाई बहुत बड़ी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था मैगी को खाकर। और बस अब पढ़ने बैठेंगे ये लोग, तेलुगु खा पी लिया, सारे मस्ती मजाक कर चुके हैं ये लोग। और जब पता, मैं जब छोटी थी, इतना तक एक बात बताऊँ, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, तो मम्मी हमको बाहर का कुछ खाने नहीं देती थी, कुछ नहीं खाने को देती थी। हमने बड़ा खाया। अच्छा, इतनी इनको तो ठंडा पानी, ठंडा और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पी रहे हैं ये। और हमारी मम्मी जो थी ना, मेरी मम्मी थी, वो तो मुझे गोलगप्पे, पानी ठंडा कुछ नहीं पीने देती थी कि भाई गला ख़राब हो जाएगा और फाइनल पेपर नहीं दे पाएंगे। और गोलगप्पे खाने को तरस जाते थे, मम्मी बोलती थी पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद खाइयो, अभी तो नहीं खाने को मिलेंगे। पॉजिटिव नहीं, माओ को टेंशन होती थी कि भाई तबीयत ख़राब हो जाए, गला ख़राब हो जाए तो फाइनल एग्ज़ाम से दे पाएंगे। और वो लगता था ये गोलगप्पे खाएगी, गला ख़राब हो जाएगा, गले ख़राब से फिर बुखार हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें याद। अब लंच बन चुका है, लंच में मटर आलू की सब्ज़ी है और साथ में चावल है। इसमें मटर आलू और इसमें चावल की सीटी बस बजने वाली है, सीटी की मैं कर रही हूँ इंतज़ार, से खाएंगे अब लंच। मैं तो खाना खाने लगी हूँ और किसी को भूख नहीं है। किंचुक शर्मा जी ने खाई थी पैटी, कपिश ने मैगी खाई थी, तो इनको भूख नहीं है, मेरे को भूख है। मैंने अपने लिए बताए हैं मटर आलू और चावल, साथ में दही और प्याज, मज़े से खाऊंगी। मटर आलू के साथ ना चावल बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करिएगा, ग्रेवी वाले जो मटर आलू होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो जी, ये मटर आलू
चावल, यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा दही लिया मैंने, और ये प्याज, प्याज तो जान है मेरी, प्याज के बिना मेरी रोटी अंदर जाती नहीं है। तो बस मैं खाने लगी हूँ मटर आलू चावल। खाना खा के ना मैं सो गई थी, और सो के मैं उठ गई हूँ, ये पीछे से माइक का शोर करता जा रहा है। जितनी मैंने बड़ी बड़ी बातें करी थी ना कि मैं कपड़े गर्म संभाल लूँगी अपने, उतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो मिट्टी में मिलके खाक हो गई थी जब मैं सोई थी। तो जितना कि मैंने बड़े बड़े बोल बोले थे ना, आज तो मैं अपने गर्म कपड़े समेट दूँगी, कुछ भी नहीं करा मैंने, कहा मैं सो गई। और संडे भी लगता मैंने अपना मनाया आराम से सो के, अब मैं उठी हूँ। और ये देखो नौटंकी कैसे कर रहा शीशे में, इसे पता है मैं आ रहा हूँ, जान मुझे कर रहा, बनाती हूँ चाय और मज़ेदार पीते हैं कड़क चाय अदरक वाली, और फिर खोलते हैं अपनी नींद। तो गाइस ये देख लो किंचुक कटिंग करवा के आया है आज, इसे बहुत दिनों बाद अपना हेयर कट करवाया है, और टाइम 9 बजने वाले हैं, तो ये हेयर कट करवा के आया। तो अब ये जा रहा है नहाने, और नहा के आएगा फिर आपको दिखाते हैं। नहा धोकर आ चुका है और एकदम चकाचक बन चुका है, मैं अभी दिखाती हूँ उसको, और कितना सही लग रहा है ना बाल कट के नहा धो के। यहाँ से शुरू करते हैं, और ये देखो अच्छा लग रहा है ना, हेयर स्टाइल हो गया है, सिंपल ही करवाया, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज्यादा वो लाइनें लगने वाला ऐसा कुछ। और शॉर्ट्स का मौसम आ गया, और गर्मियों का मौसम आ गया, और जो कपड़े समेटने थे मैंने वो तो वहीं का वहीं रह गया सारा काम, कुछ नहीं करा है। कोई बात नहीं, गाना सुनाऊंगी आपको। गाना सुना के आज का वीडियो एंड करूंगी। डिनर में मैंने बनाया है क्या, डिनर मैंने अंडे की भुर्जी बनाई, और जो मैंने सुबह आपको वादा किया था ना कटहल बनाऊंगी, आज जो जो वादा करा था ना सारे काम चौपट हो गए, कुछ काम नहीं करा मैंने ऐसा। तो फिर देखती हूँ कल बनाती या परसों बनाती हूँ। तो अब मैं आपको गाना सुनाऊंगी और व्लॉग एंड करूंगी। व्लॉग का एंड मैं करने लगी हूँ इस गाने के साथ, आशा करती हूँ गाना आपको पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में इस गाने के साथ, करते हैं व्लॉग एंड। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, फिर कब मिलोगे, सुर में तो गा, फिर कब मिलोगे, बोलो फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे कल मिलो या परसों, कल मिले या परसों, मिलेंगे तो कल ही, कहाँ, YouTube चैनल पे, ये वही जहाँ सारे व्लॉग देखने आते हैं, YouTube चैनल पे मिलेंगे। बाय बाय, शुभरात्रि, मिलते हैं कल की वीडियो में, गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और बाय। इसने कहा मात और नाटक कर रही है, मैं जल्दी बंद कर लेता हूँ, बाय शुभरात्रि, मिलते हैं कल आपसे। A few moments later. व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था, पर आपको एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिखानी थी कि सबने रोटी खा ली है, सबकी प्लेट जा चुकी है। तो जो किंचुक है ना वो बहुत अच्छी रोटी बनाता है, तो इसने मेरे को बोला कि मम्मी आप अभी अपनी सब्जी डाल के ले जाओ और मैं आपको रोटी बना कर देता हूँ। तो अब ये मेरे लिए दो फुलके बनाएगा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए कैसे रोटी बनाता है। तो यहाँ पर ये कुछ अपनी तिकड़म लगा रहा है ना, कुछ बॉयल आलू के साथ लगा हुआ है, इसको बॉयल आलू खाने थे, आगे इसको बॉयल आलू खाने थे, तो ये बॉयल आलू के साथ कुछ कर रहा है, नमक मिर्च डाल, ज़्यादा नमक मत डालियो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये अपनी मम्मी को दो रोटी गर्म गर्म बना के खिला रहा है। मैं रोटी बनाने जा रहा हूँ मम्मी के लिए, और यहाँ पे मैं तोड़ देता हूँ एक पेड़ा, तो इसकी रोटी बनेगी। तो बस अभी मैं बनाता हूँ रोटी। तो जी मैंने खाना खा लिया, किंचू के हाथ की बनी हुई दो रोटी बोली थी, पर मैंने एक रोटी खाई क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने चावल भी खा लिए थे। तो बहुत अच्छी इसने रोटी बना के दी, मैं वीडियो नहीं बना पाई उस रोटी की, बस ये जब बेल रहा था तब इसने अपनी वीडियो बनाई थी। तो बस अब फाइनली व्लॉग में एंड कर रही हूँ, तो फाइनली आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए शिवानी व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और शुभरात्रि, मिलते हैं आपसे कल, और फाइनली बाय बाय।